नमस्कार, भारत ज्ञान अक्षर की टीम अपने सभी दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती है एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में। मुश्कोह गांव के आसपास की पहाड़ियाँ इतनी मनोहर है कि जो एक बार पहाड़ियों को देख लेगा तो कभी वह नजारा भूल नहीं पाएगा। परंतु कारगिल युद्ध के समय यह इलाका आम जनता के लिए खौफ से कम नहीं था। 18 मई 1999, सेना की एक टुकड़ी मुश्को गांव के तिंगल नाले के पास गश्त लगा रही थी। तभी एक सैनिक ने वहां तंबू के निशान देखे। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस क्षेत्र में घुसपैठियों द्वारा अवैध कब्जा करने की योजना बनाई जा रही है। यह देखकर उन्होंने कुछ दूर तक सेना की एक टुकड़ी को पेट्रोलिंग के लिए भेजा, परंतु उन्होंने पाया कि टाइगर पहाड़ी के दक्षिण पर कोई नहीं था। बाद में पूरी बटालियन को आदेश दिया गया कि वह आगे सिंधु की ओर बढ़े, परंतु गश्त के लिए इस बार रास्ता दूसरा चुना गया, क्योंकि तंबू के निशानों ने भारतीय सेना के मन में संदेह पैदा किया था। उस दिन कोई झड़प नहीं हुई, परंतु भारतीय सेना की तरफ से पूर्ण सुरक्षा एवं सतर्कता बनी हुई थी। वहीं दूसरी ओर देश में सेना के प्रमुखों और सरकार के बीच विभिन्न सभाओं में योजनाएं बनाई जा रही थी। भारतीय वायुसेना में कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर थे जो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते थे। भारतीय सेना परिवहन हेलीकॉप्टर के अलावा अतिरिक्त समर्थन का अनुरोध कर रही थी। आर्मी स्टाफ के वाइस चांसलर ने सुरक्षा कैबिनेट समिति में इन पहलुओं को समझा और वायुसेना को और भी ज्यादा सशक्त बनाया गया। 18 मई 1999, सरकार ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ के खिलाफ वायुसेना को नियुक्त करने में वायुसेना प्रमुख और मंत्रिमंडलीय रक्षा समिति को कोई संकोच नहीं है। अब हम उस वीर जवान को याद करेंगे जिसने भारत माँ की सुरक्षा में अपनी जान तक न्योछावर कर दी। हवा सिंह 17 जाट रेजिमेंट के हवा सिंह अपने नाम की ही तरह फुर्तीले एवं जाबाज थे। जाबाज हवा सिंह झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी तहसील के बसमाना ग्राम में फूलाराम के घर 17 फरवरी 1978 को पैदा हुए। हवा ने चानना ग्राम में सीनियर तक की शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी शादी 3 बड़े भाइयों के साथ 1993 में कर दी गई थी। उस समय हवा सिंह नाबालिग थे। हवा सिंह 17 जाट रेजिमेंट में एक निशानेबाज के रूप में भर्ती हुए थे और पवाइंट 4875 पर दुश्मनों से संघर्ष में शहीद हो गए थे। गांव व परिवार की परंपरा को हवा सिंह ने आगे बढ़ाया। हवा सिंह के दादा शिव नारायण ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में काबुल व कांधार में लड़ाई लड़ी थी। उनके परिवार के अन्य सदस्य नायाब सूबेदार हरीशचंद्र, हवलदार रोहताश्व, हवलदार सुभाष फौजी थे। हवा सिंह अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। 2 बड़े भाई देवकरण व रामकरण खेती करते थे। 3रा भाई पालाराम पूर्व ही फौज में भर्ती थे। युद्ध के समय हवा सिंह के हाथ में 1500 मीटर रेंज की मारक क्षमता वाली राइफल थी। अपनी टेलीस्कोपिक राइफल से हवा सिंह ने पाक के 7 सैनिकों को एक एक करके मार गिराया था। इसके बाद पाकिस्तान का एक कप्तान अचानक पहाड़ी पर सामने आ गया, जिससे हवा सिंह को निशाना साधने में थोड़ी परेशानी हुई। दुश्मनों को सबक सिखाने का इरादा ठाने हवा सिंह को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। फायरिंग छोड़कर आमने सामने का संघर्ष शुरू हो गया। हवा सिंह ने उस कप्तान को पहले संगीन से मार मार कर घायल कर दिया, उसके बाद उसे बाहों में इस कदर जकड़ा कि उसके प्राण निकल गए। वह पाकिस्तानी कप्तान भारतीय जवान की पकड़ से छूट नहीं पाया। इस लड़ाई में हवा सिंह भी बुरी तरह जख्मी हो गया। संगीन से उसके हाथ पैर छाती में चोटें आई और वह भी मातृभूमि की रक्षा करते हुए मोर्चे पर शहीद हो गए। भारतीय सेना जब बाद में पवाइंट 4875 पर पहुंची, तब उन्होंने हवा सिंह की पकड़ में पाक कप्तान मारा पाया। यह दृश्य देखकर भारतीय सैनिक दंग रह गए। उन्होंने पहले हवा सिंह की जाबाजी को सलूट किया, फिर पहले दोनों शवों को जम्मू बेस कैंप भेजा, जहां रेड क्रॉस वालों को दिखाने के बाद ही उन्होंने अलग अलग किया। हवा सिंह ने 4 जुलाई को मोर्चे से अपने परिवार को पत्र लिखा था, लेकिन पत्र लिखने के दूसरे ही दिन उसकी शहादत की खबर आ पहुंची। 12 जुलाई को उनका शव भी आ गया था और उसी दिन पूरे राजकीय एवं सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था।
इस देश को एवं भारतीय सेना को ऐसे वीर जाबाज पर सदा गर्व रहेगा तथा उनकी जाबाजी सैनिकों के अंदर देश सेवा के प्रति हौसला बढ़ाएगी। आगे की कहानी जानने के लिए भारत ज्ञान अक्षर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ और एक नए जाबाज सैनिक की शहादत को याद दिलाते हुए। धन्यवाद।